फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ रात के समय पे, क्योंकि ऐसे समय पे देखा जाता है और देखने को मिलता है कुछ लोग जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ऐसे धूमधाम निकल जाता है और कहीं कहीं तो ऐसे हो जाता है जहाँ से इंडिकेटर दिखाते हैं वहाँ ना जाके कहीं और से निकल जाता है। तो इसी चीज़ का रिएक्शन लेने के लिए, इसी चीज़ को अपना कैमरा में सबूत के तौर पर कैप्चर करने के लिए मैं आज मैं कैमरा को यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही किसी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें कि फॉर्च्यूनर का गलती था, लेकिन बाइक वाले ने उसको कुछ भी बात नहीं किया, बाइक सुबह से सीधा चला गया। तो इसी को चलते हुए मैं अभी ब्लॉगिंग का सेटअप बना के जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ को कैप्चर कर सकें। एक्चुअली मेरा ब्लॉगिंग करने का कोई इरादा तो नहीं था, फिर भी क्या करें, कंटेंट नहीं मिल रहा था तो आज यहीं पर कंटेंट बना के वीडियो बनाने को ही सोचा, तो इसलिए अभी निकल पा रहा ये कंटेंट बनाने के लिए अपने कैमरा की होगी और कैमरा के साथ। ठीक है, तो आगे बने रहिए और कैसे कैसे मतलब वो ट्रैफिक रूल्स को जो ब्रेक करते हैं ना, ऐसे कितना कितना लोग मिलते हैं और कितना लोग फॉलो करता है, तो ये बात होती है। ऐसे जाते समय से निकल के देखा था, ऐसे ये बात ठीक है। पता नहीं मेरा कैमरा एंगल ठीक है ना ठीक नहीं, वो भी आई जा रही है, क्योंकि मैं इतना रेडी नहीं था ये ब्लॉगिंग करने के लिए। ये बस ईटानगर का ही मैं दिखा पाऊँगा, मैं नाहरलगन का नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि नाहरलगन में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो, और ये धूल मिट्टी ज़्यादा है जिसके कारण कैमरा कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होगा, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ ईटानगर का ही नहीं दिखा पा। अभी फिर ग्रीन सिग्नल है और 14 सेकेंड 11 सेकेंड बचा है, तब तक के लिए निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे करना चाहिए, घर में जो भी हो जैसे भी हो, बस काफ़ी पीते सोच मत रहना, उसी का ज़िंदगी सबसे मज़ा होता है। लेकिन ज़िंदगी में है तो आई मीन ज़िंदगी मिला है तो कुछ तो कर, देखो इसी तरह निकलता है, ना किसी सिग्नल ना किसी साइन, कम से कम हाथ से दिखा के रुका सकता था, भले ही नहीं रुका पता फिर भी थोड़ा सा साइन दे सकता था। देखो ये लोग तो पापा के पर्यायी होते हैं जो धूमधाम निकल रहे, हम लोग का माँ का मगरमच्छ लोग पीटम नियम कानून के साथ चलता है। प्रमुख मिनी सेक्रेटरी, अरे सिविल सेक्रेटरी में पहुंच चुका है, क्या बोलते हैं सिविल, थोड़ा तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा वो है डिफ़िकल्ट है, थोड़ा तो जीप इधर उधर हो जाता है। देखो अभी क्या, क्या क्या चल रहा है। अच्छा ये लर्निंग में है, पेशी नहीं भरा, बस जो भी हो जैसे भी हो, जो लड़की ड्राइवर है पापा के परिया लोग हैं औरतें लोग हैं उनसे दूर है ना जो ड्राइवर लोग हैं, क्योंकि उन लोगों की खतरनाक होता है। लड़कियां तो खुद गलती करने के बाद ही गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए लड़कियां सॉरी ठीक है, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो तो मैं ऐसे ही बोलना पड़ेगा। हम लोग का लड़का लोग तो एकदम मस्त है, देखो तो ये किस तरह, देखो 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 Women. देखो 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 फिर से देखो फिर अंदर जाएगा, देखो इसी चीज़ का तो हम बोल रहा था, तो सिग्नल कहीं और देता है और जाता कहीं और है, स्पेशली लड़की लोग ठीक है। इसलिए लड़की लोग अच्छा से ड्राइविंग कीजिए, ड्राइव कीजिए ताकि तेरा साथ साथ किसी और का ज़िंदगी का नुकसान ना हो जाए, स्पेशली लड़कियाँ जो स्कूटी बाइक चलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं। देखो इस तरह का सब लोग नियम कानून को तोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ मौज में है, पता नहीं मौज में भी होता है, लेकिन उन लोगों का वजह से तो हम लोग का जो वो है ना डिस्टर्बेंस होते हैं, फिर भी उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कैसा कैसा लोग रहते हैं यार। और ये इटानगर का एक खास बात है, यहाँ पे मतलब इतना धूल मिट्टी नहीं होता है, धूल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ का हवा बहुत ताज़ा है और यहाँ भी बहुत ठंडा भी है, ये एक खास बात है। गर्म दिन में भी ये नाहरलगन का कंपेयर में ये बहुत ठंडा रहता है, जैसे कि कहूँ अभी हम लोग ईटानगर क्रॉस होने के बाद ही वो करेगा
ब्लॉगिंग को भी एंड कर देगा। देखो ये लोग होते हैं जो ऐसे किसी का ज़िंदगी से खेल देने वाले, ऐसे नहीं होने देखो, किसी का ज़िंदगी से क्यों खेल देते हैं यार, ऐसे बीच बीच में से निकल जाने से, किसी को टक्कर लगने से तेरा ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगा और हम लोग का भी, ठीक है। इसलिए जो भी जो रूल ब्रेकर है रोक देगा तो प्लीज़ रूल ब्रेक नहीं कीजिए, एकदम रूल का पालन कीजिए और अपने लाइफ को भी सेफ रखिए और खुद का लाइफ को भी सेफ रखिए और अपना आसपास की जो ज़िंदगी लोग है उसको भी सेफ रखिए, क्योंकि आपका गलती से किसी और का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। देखो देखो किस तरह चल रहे हैं, एक्चुअली इसको इमरजेंसी वे में यूज़ किया जाता है या फिर फोर वेज में क्या बोलते हैं फोर क्रॉसिंग में वो उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन आदमी लोग शौक क्या है कूलनेस के कारण उसको धमाधम यूज़ कर लेता है। हाँ अभी हम पहुँच चुका है रिलायंस, जहाँ पे मुझे पुलिस ने पकड़ा था उस दिन जब मैं ट्रैफिक लोग का ज्ञान दे रहा था टाइम में तो कभी नोटिस किया ही नहीं था, वहाँ में नो एंट्री साइन बोर्ड है, इससे धमाधम घुस लिया तो मुझे क्या हुआ पकड़ लिया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बच गया क्योंकि मैं एक ट्रिक लगाया था और ट्रिक मैं नहीं बताऊँगा, तो मैं भी खुद कभी दिन ऐसे उनसे चालाक बनी और ट्रिक ट्रिकर बनिए और उसके बाद निकल जाए, और किसी किसी का ट्रिक अलग वाले ट्रिक। अभी रेड सिग्नल है तो गाड़ी रुक जाना चाहिए, हाँ रुक गया, उसके बाद ग्रीन सिग्नल तो भी चलना है। ब्लॉगिंग को भी इन करने का समय आ गया सब बोलते हैं, तो अभी कितना और कितना मिलने वाला है। सॉरी गाइस मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं था इसलिए ये डाल दिया, अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया होगा तो कुछ कंटेंट यूट्यूब के लिए या फिर कुछ के कुछ भी जो भी हो तो मुझे कमेंट्स करना, अगर आप लोग लास्ट तक देखा हो तो प्लीज़, क्योंकि मेरे पास कुछ भी कमेंट्स सॉरी क्योंकि मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं है, प्लीज़ गाइस कुछ करके मेरा इस यूट्यूब चैनल के लिए आप लोग कंटेंट क्रिएट कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाते रहूँ और अपने चैनल को जिंदाबाद रखते रहूँ, नहीं तो मेरा चैनल भी मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बात पे आप सभी का साथ इंटरेक्शन ओके बात करके बहुत अच्छा लगा, इसी मौके पे आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए आप लोग खाते पीते स्वास्थ्य मस्त रहो और मुझे भी इजाज़त दे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है।